मुख्यमंत्री जी को ये बताना होगा उत्तर प्रदेश को और देश को, पूरा उत्तर प्रदेश उनके ऊपर एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उन्होंने ये कहा था जब हाथरस की घटना हुई थी तो कि विपक्ष लगातार जाति हिंसा कराना चाहता है। बलिया की घटना पूरी तरह स्पष्ट है कि जातीय व्यक्ति के साथ कौन खड़ा है, अपराधियों के साथ कौन खड़ा है और किस रूप में खड़ा है, ये पूरा देश देख रहा है। उनके बयान स्पष्ट हैं। आज भी उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर जांच नहीं हुई, उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला जो लोगों ने सरेआम गोली मारी, तो मैं धरने पर बैठूंगा। मुख्यमंत्री जी, बिना किसी गलती के आपने एक महिला के आत्मदाह करने पर मेरे दलित कांग्रेस के अध्यक्ष आलोक पासी को जेल भेज दिया। बिना किसी आरोप के एक महिला के द्वारा आत्मदाह की कोशिश में आपके कार्यालय के सामने आपने अनु पटेल को जेल भेज दिया। क्या आप बलिया के विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए हिंसा फैलाने के आरोप में पूरे मामले में जहां लगातार आरोपी और अपराधी के साथ खड़े होने में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश जानना चाहता है। देखो एक बात बताएं, यहां तो ये कर नहीं पा रहे हैं कुछ, यहां भी बहुत इन्होंने हाथ पैर मारा, केंद्र में भी बहुत उठापटक करी, लेकिन अभी खुद ही जो है वो हर हाथ पैर मारने में दलदल में घुसते गए। अब जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों में लग गए हैं, लेकिन योगी जी जो है वो आसान मिट्टी के बने हुए नहीं हैं। अपराधियों को भी ठीक करेंगे और अपराधियों के संरक्षकों को भी ठीक कर रहे हैं और उस साजिशकर्ताओं को भी ठीक करेंगे वो, इसलिए आप चिंता मत करिए। दिक्कत इनकी ये हुई है कि आज कांग्रेस बुरी तरह से वेंटिलेटर पर है। इनका अहंकार, अराजकता, अफवाहें फैलाना एक्सीलेटर पर जा रहा है, वो भी पूरी तरह से ध्वस्त होगा, धाराशाही होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।